Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with chapter number 10 of class 8 civics, and the chapter's name is Law and Social Justice. So first of all, if you haven't watched the earlier chapters, then please click on the I button. There you will find the playlist. And if you are new to the channel, then please subscribe it and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. So let's start with our today's chapter, that is Law and Social Justice. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो लॉ है, कानून है, उसके थ्रू समाज में न्याय देने की कोशिश की जाती है, सोशल जस्टिस देने की कोशिश की जाती है. वी रिकॉल द स्टोरी ऑफ अ शर्ट फ्रॉम योर क्लास 7 बुक. वी सॉ देयर दैट अ चेन ऑफ मार्केट्स लिंक्स द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर ऑफ द शर्ट इन द सुपर मार्केट. तो क्लास 7 में हमने स्टोरी ऑफ अ शर्ट जो है वो पढ़ा था, और उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो मार्केट की पूरी चेन है, यहाँ पे कौन होता है, कॉटन का प्रोड्यूसर होता है, फिर वीवर्स होते हैं, फिर जो है मर्चेंट्स वगैरह होते हैं जो इनसे कपड़ा खरीदते हैं, फिर जो है एक्सपोर्टर्स होते हैं, या फिर जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं जो कि इनसे कपड़ा खरीदते हैं, फॉरेन के जो बिजनेसमैन है वो इनसे कपड़ा खरीदते हैं. तो इस तरीके से इस पूरे मार्केट में बहुत सारे जो हैं इसमें लोग हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो चेन ऑफ मार्केट है, और ये जो चेन है ये एक दूसरे से लिंक्ड है, इसीलिए इसे हम चेन कह रहे हैं कि किस तरीके से जो चेन है उसमें एक कड़ी दूसरे कड़ी से जो है जुड़ी हुई होती है. इसी तरीके से मार्केट में भी एक पर्सन जो है वो दूसरे से जुड़ा हुआ होता है. बाइंग एंड सेलिंग वॉज टेकिंग प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. और इस चेन में अगर हम देखें तो हर प्लेस पे बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है. जब जो कॉटन का प्रोड्यूसर है, जो फार्मर है, किसान है, जो कॉटन उगा रहा है, वो क्या करता है, वो उन लोगों को कॉटन बेचता है जो कि उससे सूत बनाएंगे, उससे धागा बनाएंगे. फिर जो लोग धागा बनाते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए वो कॉटन खरीद रहे हैं धागा बनाने के लिए, और धागा बनाकर वो धागे को बेच रहे हैं. और वो पर्सन जो कि कपड़ा बनाएगा उस धागे से, उसके लिए क्या हो गया, वो इस वाले पर्सन से धागा खरीद रहा है, और जब वो कपड़ा बना ले रहा है तो वो आगे वाले को कपड़ा बनाकर बेच रहा है, राइट. और फिर जब हम देखेंगे फैक्ट्रीज वगैरह, वो क्या करती हैं, वो प्लेन कपड़ा इनसे बुनकर से खरीदेंगी, वीवर्स से खरीदेंगी, और उनकी शर्ट, टी शर्ट, जो भी कपड़ा है पूरा सिल के फिर वो आगे बेचेंगी, चाहे वो अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचे या फिर आगे एक्सपोर्ट करें. इस तरीके से हर स्टेप पे हमें ये देखने मिल रहा है कि जो पर्सन है वो कुछ खरीद रहा है और कुछ बेच रहा है. मैनी ऑफ द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ द शर्ट, द स्मॉल फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉटन, द वीवर्स ऑफ द रोड, और द वर्कर्स इन द गारमेंट एक्सपोर्टिंग फैक्ट्री फेस्ड एक्सप्लॉयटेशन और एन अनफेयर सिचुएशन इन द मार्केट. अब इस पूरे मार्केट चेन में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो फार्मर है जो कि कॉटन प्रोड्यूस कर रहा है, चाहे जो कपड़े बुन रहे हैं, या फिर वो वर्कर्स जो कि फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं, इस तरीके से सभी जो लोग हैं जो कि इस पूरे चेन में इन्वॉल्व हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तरीके से एक्सप्लॉयटेशन जो है वो फेस कर रहे होते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ गलत अत्याचार टाइप जो है हो रहा होता है. Markets everywhere tend to be exploitative of people, whether as workers, consumers or producers. अब हमें normally ये देखने मिलता है, कोई भी market है, कैसी भी है, उसमें हमें normally ये देखने मिलता है कि जो लोग उस market में involved हैं, उनके साथ exploitation हो रहा होता है, चाहे वो worker हो, चाहे वो consumer हो जो कि उस सामान को खरीदने वाला है, चाहे वो producer हो जो कि उस सामान को बना रहा है, right? देखो producer जो है उसके लिए भी हम बना रहा है word use कर रहे हैं, और worker के लिए भी. तो producer कौन हो रहा है, वो businessman होता है जिसने कि पूरा जो सिस्टम है, पूरा जो फैक्ट्री है वो सेटअप की है, जो कि मालिक है, और उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो लोग हैं उनको हम वर्कर कह रहे हैं. तो हर लेवल पे कहीं ना कहीं इन सभी लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा होता है. टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम सच एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट मेक्स सर्टेन लॉज. अब इसी एक्सप्लॉयटेशन से लोगों को बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कुछ लॉज बनाती है, कानून बनाती है. दीज लॉज ट्राई टू इंश्योर दैट अनफेयर प्रैक्टिसेस आर कैप्ट एट अ मिनिमम इन द मार्केट. और इन कानूनों का मेन मकसद क्या होता है, किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि मार्केट में कम से कम अनफेयर प्रैक्टिसेस हों, गलत जो प्रैक्टिसेस हैं वो कम हो, और लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कम से कम हो. लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन वेयर द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब हम एक नॉर्मल सिचुएशन लेते हैं, एक ऐसी मार्केट जहाँ पे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कानून जो है उनका पालन किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द इशू ऑफ वर्कर्स वेज. और यहाँ पे इशू क्या है कि जो वर्कर हैं उनको जो वेज मिलती है, जो उनको तनख्वाह मिलती है, जो उनको दिहाड़ी मिलती है, उससे रिलेटेड ये इशू है, दिक्कत है. प्राइवेट कंपनीज, कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेस पर्सन नॉर्मली वॉन्ट टू मेक एज मच प्रॉफिट एज दे कैन.
अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बिजनेसमैन हो गए, प्राइवेट कंपनीज हो गई, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, ये सभी जो हैं वो कैसे ना कैसे करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जितना हो सके उतना प्रॉफिट वो कमाना चाहते हैं। इन द ड्राइव फॉर प्रॉफिट्स दे माइट डिनाई वर्कर्स देयर राइट एंड नॉट पे देम वेजेस फॉर एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि किस तरीके से वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी कॉस्ट को कट करने की कोशिश करते हैं। और कॉस्ट कैसे कट करते हैं कि जो वर्कर्स को वो पे कर रहे हैं, जो वेजेस वो वर्कर्स को देते हैं उनको वो कम कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका खर्चा कम होता है और उनको ज्यादा प्रॉफिट होने लगता है। इस तरीके से वो वर्कर्स का जो राइट है वो उनसे छीनते हैं, उनके जो राइट्स हैं उनका पालन नहीं कर रहे और वर्कर्स को कम वेजेस पे करते हैं। इन द आईज ऑफ द लॉ इट इज इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस, बट कानून की नजरों में किसी भी वर्कर को उसकी वेज ना देना एक कानूनी अपराध है। सिमिलरली टू इंश्योर दैट वर्कर्स आर नॉट अंडर पेड और आर पेड फेयरली देयर इज अ लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। और इसी तरीके से जो वर्कर्स हैं ताकि उनके साथ गलत ना हो, ताकि उनको जितना उनका पैसा बनता है, जितनी उनकी वेजेस बनती हैं उससे कोई कम ना पे करे या फिर उन्हें कोई वेजेस देने से मना कर दे, इस चीज को रोकने के लिए लॉ जो है वो बनाया गया है मिनिमम वेजेस के ऊपर कि अगर कोई एम्प्लॉयर किसी वर्कर को हायर कर रहा है तो उसे कम से कम इतना पैसा जो है वो देना पड़ेगा, उससे नीचे वो नहीं दे सकता। अ वर्कर हैज टू बी पेड नॉट लेस देन द मिनिमम वेज बाय द एम्प्लॉयर। और ये लॉ क्या कहता है कि आपको कम से कम इतना अमाउंट तो देना ही पड़ेगा, उससे ऊपर देना चाहते हो दे दो बट नीचे नहीं दे सकते। द मिनिमम वेजेस आर रिवाइज्ड अपवर्ड्स एवरी फ्यू ईयर्स, और हर कुछ सालों में ये जो मिनिमम वेज है उसे थोड़ा बढ़ाया जाता है। As with the law on minimum wages, which is meant to protect workers, there are also laws that protect the interest of producers and consumers in the market. अब जिस तरीके से workers की safety के लिए, workers के right को safeguard करने के लिए minimum wages के ऊपर law है, इसी तरीके से workers और जो producers वगैरह हैं, मतलब consumers हो गए, producers हो गए, इनके rights के safeguard के लिए भी अलग अलग laws हैं। These help ensure that the relations between these three parties, the worker, consumer and producer, are governed in a manner that is not exploitative. अब ये जो अलग अलग कानून बनाए गए हैं, चाहे वो वर्कर्स के सेफ्टी के लिए हो, चाहे वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के राइट को बचाने के लिए हो, ये जो लॉज हैं वो ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि किसी के भी साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन ना हो, गलत ना हो। तो कंज्यूमर जो है वो पर्सन होता है जो कि अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाला है, जो किसी भी सामान को अपने पर्सनल यूज़ करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए खरीद रहा है, वो गया कंज्यूमर। प्रोड्यूसर वो पर्सन या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि मार्केट में सेल करने के लिए किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है, और वर्कर वो हो गए जो कि इनके जैसे प्रोड्यूसर्स वगैरह को मदद कर रहे हैं काम करने में। जैसे एक फार्मर का एग्जाम्पल लें हम, तो एक फार्मर है, उसके पास इतना बड़ा खेत है, राइट? तो वो फार्मर क्या कर रहा है, इसमें कोई फसल उगा रहा है, वो गेहूं उगा रहा है, और उसका मेन मकसद क्या है कि वो इसको जाके बेचेगा, ठीक है? वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो फार्मर कौन हो गया, प्रोड्यूसर। बट इतने बड़े खेत में उसने काम करने के लिए कुछ लेबर्स रखे हुए हैं, तो वो लेबर कौन हो गए, वर्कर्स। और जो पर्सन इनसे गेहूं जाके खरीदेगा और उसको खाएगा, तो वो पर्सन हो गया कंज्यूमर, क्योंकि वो कंज्यूम कर रहा है। तो इन तीनों की ही सेफ्टी के लिए, इन तीनों के ही राइट्स को बचाने के लिए अलग अलग लॉज बने हुए हैं। बट मेयरली मेकिंग लॉ इज नॉट इनफ। अब हमने ये तो कह दिया कि इन सबके राइट्स को बचाने के लिए बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, और पूरे सिविक्स में हमने जो पूरी बुक पढ़ी है उसमें हमने बहुत बार ये बात की है कि सिर्फ और सिर्फ लॉज बनाना काफ़ी नहीं हो जाता, जब तक कि वो लॉ इम्प्लीमेंट ही नहीं होंगे तो उन लॉज का कोई फायदा नहीं है। इम्पॉर्टेंट जितना कि लॉ बनाना है, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये भी इंश्योर करना है कि वो लॉज उस इंसान तक पहुँच रहे हैं जिनके लिए वो बनाए गए हैं, या वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। The government has to ensure that these laws are implemented. और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, गवर्नमेंट की बनती है कि वो ये ध्यान रखे, वो इंश्योर करे कि जो लॉज उन्होंने बनाए हैं वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। दिस मीन्स दैट द लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड, और इसका मतलब यही हुआ कि जो लॉ है उनको इन्फोर्स करना, उनको लागू करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन्फोर्समेंट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट वेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। अब वैसे तो हर लॉ जो भी बना है उसका इन्फोर्स होना, उसका लागू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बट ये इन्फोर्समेंट और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब हो जाता है कि जब जो लॉ है वो किसी कमज़ोर को किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन से, किसी ताकतवर से बचाने की कोशिश कर रहा हो। फॉर इंस्टेंस, टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट्स फेयर वेजेस, द गवर्नमेंट हैज़ टू रेगुलरली इंस्पेक्ट वर्क साइट्स एंड पनिश दोज हु वायलेट द लॉज। अब एग्जाम्पल के तौर पर लॉ ये कहता है कि हर पर्सन को मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, और उसका ये अधिकार है कि वो जो काम कर रहा है उसके लिए उसको फेयर वेज मिले।
तो अब इसको इंश्योर करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसे रेगुलरली क्या करना पड़ता है, उसको वर्क साइट्स पे जाके इंस्पेक्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि जो एम्प्लॉयर है वो सही से वर्कर्स को पैसा दे रहा है या नहीं। और अगर ऐसा पाया जाता है कि एम्प्लॉयर कानूनों का उल्लंघन कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, तो फिर उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करनी चाहिए और फिर वो उसको पनिश भी करना चाहिए। When workers are poor or powerless, the fear of losing future earnings or facing reprisals often forces them to accept low wages. अब जब गरीब होता है कोई वर्कर, वो इतना ताकतवर नहीं होता कि वो आवाज उठा सके, तो ऐसे सिचुएशन में उस वर्कर को ये डर रहता है कि वो फ्यूचर में जो अर्निंग्स है, मतलब अपने भविष्य में जो वो कमाई करने वाला है, कहीं वो उसको भी ना खो दे। मतलब वो ये सोचते हैं कि अगर हमने आज आवाज़ उठाई, अगर जो एम्प्लॉयर है उसको ये बोला कि नहीं इतनी कम जो वेजेस हैं हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप हमें बढ़ा के दो, तो वो यूँ डरते हैं कि अगर हमने इस तरीके से आवाज़ उठाई तो हो सकता है ये हमें जॉब से ही निकाल दे कि तुम इतना भी नहीं ले रहे ना, तो जाओ, मैं तुम्हें इतना भी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें जॉब से ही निकालता हूँ। तो उनको ये डर रहता है कि वो अपना जो काम है कहीं उसको ना खो दे। रेप्रेजल्स फेस करने का उन्हें डर रहता है कि कोई रेप्रेजल्स मतलब एक तरीके से बदले की कार्रवाई, कि जो एम्प्लॉयर है वो गुस्सा हो जाए और वो बोले कि चल तुझे तो मैं दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है ना। तो इस तरीके से उनको डर रहता है कि जो एम्प्लॉयर है वो उनके खिलाफ कुछ करना दे। और इन सभी डरों के कारण वो क्या करते हैं, वो लो वेजेस को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं कि क्या ही आवाज उठाना, जितना मिल रहा है उतने में ही संतुष्टि कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो मजबूर होकर कम वेजेस में काम कर रहे होते हैं। एम्प्लॉयर्स नो दिस वेल एंड यूज देयर पावर टू पे वर्कर्स लेस देन देयर फेयर वेजेस। अब एम्प्लॉयर जो है उसको भी पता है कि जो वर्कर्स हैं वो उनके मन में ये डर है, उनके सामने ये डर है कि अगर वो आवाज उठाएंगे तो उनको जॉब खोने का डर है, उनको ये डर है कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। और एम्प्लॉयर्स क्योंकि इस डर को अच्छे से जानते हैं तो वो इसका अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और वर्कर्स का जितना वेज बनता है उससे वो कम देते हैं। इन सच केसेस इट इज क्रूशियल दैट लॉज आर इन्फोर्स्ड। और इस तरह के केसेस में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो कानून है उनको अच्छे से लागू किया जाए। थ्रू मेकिंग इन्फोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लॉज द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज तो एज टू इंश्योर सोशल जस्टिस। अब इस तरीके के कानूनों को बनाने के बाद, उनको इन्फोर्स करने के बाद और उनको बनाए रखने के बाद, जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वो ट्राई करती है, वो इस तरीके से कानूनों के थ्रू कोशिश कर सकती है कि वो अलग अलग इंडिविजुअल्स जो बड़े बड़े लोग हैं, पावरफुल बिजनेस पर्सन हैं, जो कि अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके किसी के साथ एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनीज, इन सभी को कंट्रोल करने की वो कोशिश कर सकती है इन लॉज के थ्रू, और वो सोसाइटी में सोशल जस्टिस जो है वो इंश्योर कर सकती है। मेनी ऑफ दीज लॉज हैव देयर बेसिस इन द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब बहुत सारे ऐसे लॉज जो कि सोशल जस्टिस को इंश्योर करने के लिए बनाए गए हैं, उनमें से कुछ लॉज ऐसे हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स से निकल के आते हैं। मतलब कि उनका जो बेस है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उन पे वो कानून बेस्ड हैं। जैसे कि जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो कहता है कि किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो कम वेजेस के अंदर काम करे या फिर वो बॉन्डेज मतलब एक तरीके से बंधुआ मजदूर की तरह काम करे। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कि हमें अधिकार है कि अगर हमारे साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होगी तो हम आवाज उठाएंगे, हमें न्याय मिलेगा, तो ये राइट जो है ये इंश्योर करता है, वो हमें अधिकार देता है कि कोई भी जो पर्सन है वो जितना उसने काम किया है और जितना उसका बनता है उतने कम से में वो काम ना करे, उतने कम वेजेस में वो काम ना करे, और साथ ही साथ बंधुआ जो मजदूर हैं वो उस तरीके से भी कोई काम ना करे। सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइंस और एंगेज्ड इन एनी अदर हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। इसी तरीके से जो कानून है वो ये भी कहता है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से नीचे का है उसको किसी भी तरीके से जो है काम पे नहीं लगाया जाएगा, उसको फैक्ट्रीज में या माइंस में या ऐसी जगह जो कि बहुत ही ज़्यादा हजार्डस हैं, खतरनाक हैं, उनमें इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी, उनको मजदूरों की तरह नहीं रखा जाएगा। तो आपने सुना होगा कि बाल मजदूरी जो है वो कानूनी जुर्म है, तो वो चीज़ जो है उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मना करता है और ये कोशिश करता है इंश्योर करने की जो बच्चे हैं उनका अभी अधिकार क्या है, वो पढ़े लिखे, राइट, तो वो उनको मिले। How are these laws played out in practice? अब हमने ये बात की कि किस तरीके से जो लॉज हैं वो बनते हैं और उनको इन्फोर्स करना ज़रूरी है, बट ये सवाल उठता है कि आखिरकार इनको इन्फोर्स किया कैसे जा रहा है। तो इस सवाल पे हम इस चैप्टर में गौर करेंगे। साथ ही साथ टू व्हाट एक्सटेंट डू दे एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ सोशल जस्टिस। अब लॉ बनाने के बाद, उनको इन्फोर्स करने के बाद, इन लॉज का आखिरकार कितना इम्पैक्ट हो रहा है, किस हद तक ये लॉज
सोशल जस्टिस को मेंटेन करने में कामयाब हो रहे हैं ये भी हमें देखना है। तो ये सारी चीज़ें हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे।